द फिट इंडिया मूवमेंट, मोदी ने क्या दिए हेल्थ मंत्र, और आखिर में जानेंगे ध्यानचंद को भारत रत्न कब मिला। स्वागत है आपका 7i न्यूज में, मैं हूँ वैशाली। घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा अक्सर हम सुनते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन वक्त बदला और अब खेलने कूदने वाले ही नवाब हैं। खेल ने भारत ही नहीं कई देशों को शोहरत दिलाई है। जब खेल की बात आती है तो सबसे पहले जहन में मेजर ध्यानचंद का नाम ताजा हो जाता है। भारत में ध्यानचंद के जन्म दिवस 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल स्पोर्ट्स डे पर पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हो गई है। फिट इंडिया का मकसद है देश के लोगों को फिट रखना। जानेंगे कौन थे ध्यानचंद और पीएम मोदी ने क्यों उनकी याद में फिट इंडिया मूवमेंट चलाया। पेश है ये पूरी खबर। कौन थे मेजर ध्यानचंद? राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर पूरी दुनिया में हॉकी के जादूगर की उपाधि से विख्यात मेजर ध्यानचंद को आज हम इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि यही वो दिन था जब ध्यानचंद ने भारत में जन्म लिया था। 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में जन्मे मेजर ध्यानचंद की आज 114वीं जयंती है। हॉकी की दुनिया में दद्दा के नाम से भी विख्यात ध्यानचंद के जन्म दिवस को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न के अलावा अर्जुन ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार आदि दिए जाते हैं। ध्यानचंद को फुटबॉल में पेले और क्रिकेट में ब्रैडमैन के बराबर माना जाता है। ध्यानचंद शुरुआती शिक्षा के बाद 16 साल की उम्र में साधारण सिपाही के तौर पर भर्ती हुए थे। जब फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में भर्ती हुए उस समय तक उनके मन में हॉकी के प्रति कोई विशेष दिलचस्पी या रुचि नहीं थी। ध्यानचंद को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करने का श्रेय रेजिमेंट के एक सूबेदार मेजर तिवारी को जाता है। वो ध्यानचंद ही थे जिन्होंने उस दौर में जर्मनी की हॉकी टीम को धूल चटाई थी जब वहां दुनिया के सबसे खतरनाक और क्रूर तानाशाह एडोल्फ हिटलर का शासन था। ये वो दौर था जब हॉकी की दुनिया में जर्मनी का बोलबाला था। 5 अगस्त को भारत का पहला मुकाबला हंगरी से हुआ। भारत ने हंगरी को 4 गोल से हराकर विजय की शुरुआत की तो 7 अगस्त को भारत ने जापान को 9-0 से और 12 अगस्त को फ्रांस को 10 के गोल से हरा दिया था। भारत ने उनके सम्मान में साल 2002 में दिल्ली में नेशनल स्टेडियम का नाम ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम रखा। आइए जानते हैं कि मोदी ने क्यों लॉन्च किया फिट इंडिया मूवमेंट। खिलाड़ियों को सबसे फिट व्यक्तित्व के लिए जाना जाता है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश के लोग फिट रहें और इसी कड़ी में मोदी ने खेल दिवस पर आज दिल्ली में फिट इंडिया आंदोलन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर फिट इंडिया आंदोलन को हरी झंडी देने के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हॉकी के जादूगर को श्रद्धांजलि भी दी। उन्होंने कहा, आज के दिन एक महान खिलाड़ी का जन्म हुआ था, मेजर ध्यानचंद। उन्होंने अपने खेल, फिटनेस और स्टैमिना से पूरी दुनिया को हैरान किया था। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान की तरह ही इसे भी देश के कोने कोने में पहुंचाकर जन आंदोलन बनाना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने वीरता और फिटनेस को भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बताया है। परंपराओं को याद कराते हुए हम अपने आप को किस प्रकार फिट रखते हैं उसका बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण दिया गया। खचाखच भरे इंदिरा गांधी स्टेडियम में प्रधानमंत्री ने कहा, आज का दिन युवा खिलाड़ियों को बधाई देने का दिन है जो दुनिया के मंच पर तिरंगे का परचम लहरा रहे हैं। बैडमिंटन हो, टेनिस, एथलेटिक्स या कुश्ती हो, भारतीय खिलाड़ियों का पदक उनकी तपस्या का परिणाम तो है ही, साथ ही ये एक नए भारत के नए जोश और नए आत्मविश्वास का भी पैमाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने फिट इंडिया आंदोलन को स्वस्थ भारत की दिशा में एक कदम बताते हुए कहा, फिट इंडिया का विस्तार खेलों से आगे तक करना होगा। हमारी संस्कृति और शाखों में भी फिटनेस पर जोर दिया गया है और हमें फिटनेस को परिवार की, समाज की और देश की सफलता का मानक बनाना पड़ेगा। मैं फिट तो इंडिया फिट और बॉडी फिट तो माइंड फिट को जीवन का मूल मंत्र बनाना होगा। आइए अब जान लेते हैं कि मोदी ने क्या दिए हेल्थ मंत्र। फिट इंडिया आंदोलन को स्वस्थ भारत की दिशा में एक कदम बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खेलों का फिटनेस से सीधा नाता है, लेकिन आज जो फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई है उसका विस्तार खेलों से भी आगे बढ़कर है। फिटनेस एक शब्द नहीं है बल्कि स्वस्थ और समृद्ध जीवन की एक जरूरी शर्त है।
फिट इंडिया का विस्तार खेलों से आगे तक करना होगा। हमारी संस्कृति और शाखों में भी फिटनेस पर जोर दिया गया है और हमें फिटनेस को परिवार की, समाज की और देश की सफलता का मानक बनाना होगा। इस अभियान के तहत हर कॉलेज विश्वविद्यालय को 15 दिवसीय फिटनेस प्लान भी तैयार करना होगा और बाकायदा उसे अपने कॉलेज या विश्वविद्यालय के पोर्टल वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जानी है। फिटनेस हमारे जीवन के तौर तरीकों, हमारे रहन सहन का अभिन्न अंग रहा है, लेकिन समय के साथ फिटनेस को लेकर हम में एक उदासीनता आ गई है। टेक्नोलॉजी ने हमारी ये हालत कर दी है कि हम चलते कम हैं। भारत में डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। आजकल हम सुनते हैं कि हमारे पड़ोस में 12 से 15 साल का बच्चा डायबिटिक है। पहले सुनते थे कि 50-60 की उम्र के बाद हार्ट अटैक का खतरा है, लेकिन अब 35 से 40 साल के युवाओं को हार्ट अटैक आ रहा है। घर परिवार में सहज रूप से शारीरिक श्रम, फिटनेस, व्यायाम रोजमर्रा के जीवन में चर्चा का विषय होने चाहिए। भारत में ही अचानक ऐसी जरूरत महसूस हो, ऐसा नहीं है, बल्कि पूरे विश्व में आज ऐसे अभियानों को जरूरत महसूस हो रही है। सफलता और फिटनेस का रिश्ता भी एक दूसरे से जुड़ा है। खेल, फिल्म, हर क्षेत्र के हीरो फिट रहते हैं। जो लोग सफल हैं उनका एक ही मंत्र है, फिटनेस पर उनका फोकस। मोदी ने आगे कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट भले ही सरकार ने शुरू किया है, लेकिन इसका नेतृत्व आप सभी को करना है। देश की जनता ही इस कैंपेन को आगे बढ़ाएगी और सफलता की बुलंदी पर पहुंचाएगी। मैं अपने निजी अनुभवों से कह सकता हूं कि इसमें निवेश जीरो है, लेकिन रिटर्न असीमित है। आइए अब हम आपको बताएंगे कि ध्यानचंद को भारत रत्न कब मिला। लगातार 3 ओलंपिक में भारत को हॉकी का स्वर्ण पदक दिलाने वाले ध्यानचंद की उपलब्धियों का सफर भारतीय खेल इतिहास को गौरवान्वित करता है। हर वर्ष ध्यानचंद की जयंती पर खेल जगत उनके लिए भारत रत्न की मांग उठाता है। मेजर ध्यानचंद को 1956 में देश के तीसरे दर्जे का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण तो दिया गया, लेकिन सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न के लिए उनके नाम की बार बार अनदेखी से खेल जगत हैरान है। यूएई सरकार ने 2014 में भारत रत्न के लिए खेल क्षेत्र को भी विभिन्न श्रेणियों में शामिल किया। खिलाड़ियों को भारत रत्न देने का रास्ता खुला तो ध्यानचंद इसके प्रबल दावेदार माने गए, लेकिन सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित कर दिया गया। लेकिन ध्यानचंद का इंतजार अब भी जारी है। ध्यानचंद के बेटे ओलंपियन अशोक कुमार कह चुके हैं कि लगता है कोई भी सरकार उनके योगदान को समझ ही नहीं पा रही है। भारत रत्न के लिए ध्यानचंद के नाम की अनुशंसा यूपीए सरकार में खेल मंत्री रहे अजय माकन और मौजूदा भाजपा सरकार में खेल मंत्री रहे विजय गोयल ने 2017 में की थी। इसके अलावा पूर्व ओलंपियंस ने भी 2016 में उन्हें भारत रत्न से नवाजे जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। 2011 में 80 से अधिक सांसदों ने ध्यानचंद को ये सम्मान देने की मांग की थी। अब मोदी सरकार से ही लोगों को उम्मीद है कि वो मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न देकर उनकी राष्ट्र सेवा को सर्वोच्च प्रमाण देने का सौभाग्य जरूर हासिल करेगी। 7i न्यूज के लिए फिरोजा खान की रिपोर्ट।